अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दी वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन वेज रेसिपी, इजी एंड इजी वड़ा पाव रेसिपी। वड़ा पाव रेसिपी इंडियन की मशहूर रेसिपी है, इंडिया की, और इसे आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल वे में। और बहुत डिलीशियस रेसिपी है और इतने सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ, एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस रेसिपी। जी व्यूअर्स, वड़ा पाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं आलू, पोटैटोज। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, ठीक है। मैंने उनको बॉयल करके पील ऑफ करके रख लिया है। फिर उसमें हम कुछ ऐड करेंगे धनिया, फ्रेश कोरिएंडर लिया है मैंने, और एक पूरा फुल लीमू, और ग्रीन चिलीज, और जिंजर मैंने 2 टेबल स्पून लिया हुआ है। इसी के साथ हम इसमें जो फिलिंग लगाएंगे स्लाइडर्स में, उसके लिए मैंने लिए प्याज, उसको मैंने गोल काट के रख लिया है, और साथ टमाटर लिए हैं, और साथ ग्रीन चिलीज। इसके साथ हम इसमें बनाएंगे बेसन का पेस्ट। बेसन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने बेसन लिया तकरीबन 300 ग्राम, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश 300 ग्राम आपने बेसन लेना है। इसी के साथ हम इसमें लगाएंगे कुछ सॉसेस। मैंने ग्रीन चटनी ली है, हरी चटनी मिंट की, ठीक है ना। और इसके साथ हम लगाएंगे केचप। केचप के साथ अलावा आप कोई और भी, अगर आपके पास सॉसेज हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ली हैं बंस, बर्गर बंस, आप चाहें तो स्मॉल बंस भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी में साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़ीरा, सिनेमन 1 टेबल स्पून, राई मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यानी कि मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। उसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के करीब। ये हमारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, उस तरफ हम लोग हमने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे उसको मस्त तरीके से मैश कर लेंगे। इतना मैश नहीं करेंगे कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, बिल्कुल नॉर्मल मैश करेंगे। ये देखें, इसमें थोड़े थोड़े आलू के चंक्स रहने चाहिए। जी व्यूअर, अब हम भेगात तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसको मैंने प्री हीट कर लिया है। अब मैं 4 टेबलस्पून ऑयल में राई ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, इसी के साथ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ मैं डालूँगी अदरक। अदरक मैंने 1 टेबलस्पून चॉप करके रखा हुआ है, हम इसमें शामिल कर लेंगे। और हम इस तड़के को सब 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। 1 मिनट तक इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के बाद हम इसे आलू का जो हमने मैश किए थे आलू, उसी में ऐड कर देंगे। यकीन करें व्यूअर्स, इतनी अच्छी रेसिपी। हम डेली वेज में चिकन के बर्गर्स खाते हैं, चिकन के आइटम्स खाते हैं, जो इससे बिल्कुल डिफरेंट वेजिटेबल की रेसिपी है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर, मैं अभी हाफ यूज़ करूँगी और हाफ मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, और फुल लेमन, एक पूरा लेमन जो हम इसमें स्क्वीज कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस हमारे यही मसाले हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले जहाँ बस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जी व्यूअर्स, आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम एक हाथ पे ऑयल लेकर इसके बॉल्स बना लेंगे, वड़ा बना लेंगे। इस तरीके से मैं बॉल्स बना लूँगी आलू के। ये देखिए, आप चाहे तो बड़े साइज का वड़ा बना लें, चाहे छोटे साइज का, ये आपके बन के साइज पे डिपेंड करता है कि अगर बन ज्यादा बड़ा है तो आप उसके साइज के मुताबिक ही आलू का बॉल तैयार कर लें, ठीक है। मेरे पास जो बन हैं वो बड़े साइज के बन्स हैं, तो मैंने इसलिए बड़ा जो है वड़ा वो मैंने बड़े साइज का ही बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास बड़े तो तैयार हो गए हैं। अब हम इसका बनाएंगे बेसन का मिक्सचर। बेसन के मिक्सचर के लिए मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है, ठीक है। उसमें 1 चम्मच मैं नमक का ऐड करूँगी, और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर का, और इसी के साथ मैं इसमें 1 पिंच सफ़ हल्दी पाउडर डालूंगी, और कुछ ज़ीरा जो है 1 टीस्पून के करीब मैं हाथ से मसल के डालूंगी, ताकि इसका जो टेक्स्चर है, अरोमा जो है इस तरीके से वो बेसन में आ जाए। इसके साथ मैं सूखा मैं सारे मिक्सचर को कर लूँगी, ऐड कर लूँगी, ठीक है, मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं ग्रेजुअली इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करती जाऊंगी, और मैं इसका थिक सा पेस्ट बना लूंगी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पकोड़े या फिर ऐसा वड़ा वड़ा बनाते हैं, उनकी कोटिंग के लिए जो हमारे पास जो ड्रेसिंग होती है, पर जो पेस्ट होता है वो थोड़ा थिक ही होना चाहिए, ठीक है। मैं ग्रेजुअली पानी ऐड करती जाऊँगी, तब तक ऐड करूँगी जब तक ये थिक सा पेस्ट बन जाए। अब इस तरह विस्क के साथ
मिक्स करते जाएं और पानी ऐड करके पेस्ट बनाते जाएं। अब मैंने कुछ थिक सा टेक्सचर बना लिया, इस तरह इसी तरह का ही टेक्सचर होना चाहिए कोटिंग के लिए। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है, मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है, मैंने इसको प्री हीट कर लिया अच्छी तरीके से। अब मेरे पास जो ग्रीन चिलीज थी जो मैंने अंदर वड़ा में इस्तेमाल करनी है, वड़ा पाव में, उनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। आप सब 1 से 2 मिनट तक कीजिएगा या फ्राई, 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि मिर्चों को हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करते क्योंकि ये बगैर कोटिंग किए हैं, इसलिए बस मैंने 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इनको निकाल लिया है। अब मेरे पास जो आलू के वड़े थे उनको मैं बेसन के मिक्सचर में अच्छे तरीके से कोट करके फ्राई कर लूँगी। अच्छे तरीके से कोट कीजिएगा, साथ चम्मच की हेल्प से मैं निकाल लूँगी और मैं अब इसको गरम तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसलिए मैं बाकी के सारे वड़ों को बारी बारी बेसन में कोट करके फ्राई करती जाऊंगी। अब 2-3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे, ठीक है, ताकि एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं। हमें बिल्कुल इनको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आलू वड़ा हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, इससे ज़्यादा आपने डार्क फ्राई नहीं करना। हमारे पास आलू वड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है जी। बस अब बारी है हमारी फिलिंग करने की, ठीक है। मैंने बंस लिए हैं, बर्गर बंस लिए हैं, आप चाहें तो स्मॉल बंस भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कट करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और वेजिटेबल की सबसे अच्छा सोर्स है कि आप वेजिटेबल्स का यूटिलाइज करके कोई फूड आइटम घर में तैयार करें। हम आयल और चिकन के आइटम बनाते हैं और ये जो रेसिपी है सबसे डिफरेंट है, इसलिए मैंने बन के अंदर से मैं थोड़ा सा जो है ना वो ब्रेड का पीस निकाल लूँगी ताकि जो वड़ा है वो मैं ईजिली इसके अंदर एडजस्ट कर सकूँ। अब मैं इसमें केचप लगाऊंगी, एक लेयर केचप की लगाऊंगी और एक लेयर मेरे पास जो हरी चटनी थी पुदीने की चटनी वो मैं लगाऊंगी। इस तरीके से मैं चटनी और केचप को अप्लाई कर लूंगी बन में। अब इसी के साथ जो मैंने वड़ा तैयार किया था आलू का वो मैं इसमें रख दूंगी। देखें, एक वड़ा लें क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का वड़ा बनाया है और मैंने अपनी अकॉर्डिंग टू बन साइज़ बनाया है। इसको हल्के से उंगली से फैलाकर इसके ऊपर बाकी के मैं जो वेजिटेबल मैंने रखी हुई थी, इसमें टमाटो था रिंग, अनियन रिंग और जो मैंने ग्रीन चिलीज थी मैंने डीप फ्राई की थी वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। एक आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या कोई मसाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी बन के साथ। जी बस हमारा जो बर्गर बड़ा पाव है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस तरह मैं बाकी के सारे जो वड़ा पाव हैं वो मैं तैयार करती जाऊंगी। अगेन मैं वही हरी चटनी, केचप और वड़ा पाव बीच में लगाकर आलू वड़ा उस पर सैलेड की कोटिंग करके इसके ऊपर से कवर करते जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, हमारा जो वड़ा पाव है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत डिलीशियस एंड सिंपल रेसिपी जी बस हमारा इजी एंड सुपर डिलीशियस वड़ा पाव एंड आलू वड़ा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मैं आई होप कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप डेफिनेटली घर में ट्राई करेंगे। हम डेली बेसिस पे चिकन और मटन वगैरह की रेसिपीज घर में तैयार करते रहते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट वेज रेसिपी है। प्लीज़ आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।